अमेरिका में कोरोना वायरस से 10 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। 29 अप्रैल तक 58,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका में जगह जगह पर सैकड़ों लोग विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। बहुतों ने तो मास्क भी नहीं लगाए थे। ये विरोध वॉशिंगटन में शटडाउन के खिलाफ हो रहा है। मार्च के बीच में वॉशिंगटन के गवर्नर जे इंसली ने कोरोना वायरस के चलते आपातकाल का ऐलान कर दिया था। गवर्नर जे इंसली डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। इस आदेश के तहत रेस्टोरेंट्स और बार बंद कर दिए गए, साथ ही किसी भी जगह पर ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई, लेकिन प्रदर्शनकारी इसे असंवैधानिक बता रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन के आयोजक टेलर मिलर का कहना है कि राज्य का संविधान कहता है कि लोगों के शांतिपूर्वक एक जगह इकट्ठे होने का अधिकार कभी भी छीना या घटाया नहीं जाएगा। उन्हें सबसे ज्यादा ये चीज परेशान कर रही है कि एक लोकतांत्रिक गवर्नर ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी अमरीकी संस्कृति नहीं है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि कहीं ये राजनीतिक वजहों से तो नहीं हो रहा। बीबीसी संवाददाता अली मकबूल ने इस पर रिपोर्ट लिखी है। अमेरिका में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। करीब 20 राज्यों में इन पाबंदियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इन प्रदर्शनों में कुछ दर्जन लोगों से लेकर हजारों लोग तक शामिल होते दिखे। ये सिर्फ आम लोग ही नहीं हैं, इनमें राजनेता भी शामिल हैं। कई गवर्नर्स ने अपने राज्य में घर पर ही रहने के आदेश नहीं लागू करवाए, और हैरानी की बात है कि वे सब गवर्नर राष्ट्रपति ट्रंप की पार्टी के हैं। इन राज्यों में साउथ डकोटा और नॉर्थ डकोटा भी शामिल हैं। पॉलिटिशियंस अब ज्यादा मुखर आवाज में शटडाउन को खत्म करने की मांग करने लगे हैं। नॉर्थ डकोटा के रिक बेकर इनमें शामिल मुख्य रिपब्लिकन लीडर हैं। रिक बेकर खुद एक डॉक्टर हैं और वे कहते हैं कि शुरुआत से ही कोरोना वायरस को लेकर जरूरत से ज्यादा उन्माद बना रहा है। बेकर के मुताबिक अनिवार्य रूप से कारोबार बंद रखने, घरों में बंद रहने और ऐसे ही दूसरे उपायों के जरिए राज्य सरकारों ने कोरोना को लेकर ओवर रिएक्ट किया है। हालांकि पोल्स में दिखाई दिया है कि ज्यादातर अमरीकी इन सख्त उपायों के पक्ष में हैं, ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके। कुछ लोगों ने तो विरोध प्रदर्शनों पर कड़ी आपत्ति भी जताई है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सरकार और समाजशास्त्र की प्रोफेसर और लेखक थेडा स्कॉकपॉल कहती हैं कि शटडाउन के विरोध में हो रहे विरोध की पूरी वजह आर्थिक नहीं है, बल्कि राजनीतिक विचारधारा है। प्रोफेसर स्कॉकपॉल को लगता है कि विरोध प्रदर्शनों में शामिल ज्यादातर लोग डोनाल्ड ट्रंप के जबरदस्त समर्थक हैं। कई लोग और राजनेता राष्ट्रपति को देखकर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वे कहती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्या सोच रहे हैं ये किसी से छिपा नहीं होता है। उन्हें लगता है कि इस बात के काफी प्रमाण हैं कि वे इस महामारी और शुरुआत में इसकी हैंडलिंग को लेकर काफी चिंतित हैं। साथ ही इसका आर्थिक असर भी ट्रंप को परेशान कर रहा है। उन्हें लग रहा है कि इससे उनकी अगला राष्ट्रपति बनने की राह में बड़ी मुश्किल आ सकती है। वे कहती हैं कि आप इस भुलावे में नहीं रह सकते कि वे, उनकी पार्टी और उनका समर्थन करने वाले लोग खामोश बैठेंगे और चीजों को हल्के में लेंगे। ऐसे में उनका प्लान बी और सी क्या है? प्लान है ओबामा, चीनियों, WHO पर आरोप लगाना, और अब वे लगाई गई पाबंदियों पर भी आरोप लगाने लगे हैं। ये भी देखने वाली बात है कि गुजरे कुछ हफ्तों में तो डोनाल्ड ट्रंप ने विरोध करने वालों का खुला समर्थन तक किया है, लेकिन व्हाइट हाउस से आ रहे मिले जुले संकेत भी इस संकट की अहम खासियत हैं। इस बात के संकेत देने के बाद कि वे चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी के चलाए जा रहे कुछ राज्यों को स्वतंत्र किया जाए और खोला जाए, राष्ट्रपति ने कहा है कि वे जॉर्जिया के रिपब्लिकन गवर्नर के इकोनॉमी को खोले जाने के फैसले से नाखुश हैं। मिला जुला संकेत। एक तरफ ये खतरनाक वायरस है और दूसरी तरफ भारी आर्थिक और राजनीतिक दबाव है जिसका सामना इन सभी को करना है।